नमस्कार, अर्थ मैटर्स के एक और एपिसोड में मैं माइक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे, एनर्जी, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। भारत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जहां देखिए मॉल्स, कॉरपोरेट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन रही हैं। इन सब के लिए बिजली की सख्त ज़रूरत है और बिजली की सप्लाई कम है। हमारे डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स इसी मुद्दे को ख्याल में रखते हुए कई विकल्पों की ढूंढ में हैं, खोज में हैं। तो आज के इस एपिसोड में देखते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स। तो चलते हैं, एक नज़र डालते हैं अर्थ मैटर्स के इस खास प्रोग्राम में। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में से एक है और यहाँ के शहरों में जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि अगले 20 साल के दौरान करीब 30 फीसदी भारतीय ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों का रुख कर लेंगे। इससे भारत में इमारतों वाला इलाका 25 अरब वर्ग फुट से बढ़कर 2030 तक 100 अरब वर्ग फुट हो जाएगा। विशेषज्ञों का दावा है कि इस रफ्तार से 2050 तक शहरों में भारत की कुल आबादी का करीब 50 फीसदी हिस्सा रहने लगेगा। ज्यादा निर्मित इलाके का मतलब होगा ऊर्जा की ज्यादा मांग और पहले से ही दुर्लभ संसाधनों पर और ज्यादा दबाव। 2007-08 में बिजली की सप्लाई में 9.9% की कमी देखी गई थी और अधिकतम कमी 16.6% थी। अब भारत के सामने चुनौती यह है कि अपनी विकास दर को कायम रखा जाए और वहनीय पद्धतियों के जरिए ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कुशलता हासिल की जाए। ऐसे में इस प्रकार की शानदार इमारतों की जरूरत है जो ऊर्जा की अंधाधुंध खपत करने वाली इमारतों की जगह ले सके, उनमें ऊर्जा की खपत कम से कम हो और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम से कम पड़े। इतिहास गवाह है कि वास्तुशिल्प मानव की जरूरतों के हिसाब से विकसित हुआ है ताकि वो पर्यावरण से खुद की हिफाजत कर सके। पहले इमारतें प्रकृति के अनुकूल होती थीं और उन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश के हिसाब से बनाया जाता था। वो अधिकतम आराम मुहैया कराया करती थीं। तब घरों में हवा के आने जाने के लिए गलियारे होते थे, ये रोशनी और छाया भी मुहैया कराते थे। गर्मी का फायदा उठाने के लिए छतों वाले छज्जे होते थे और धूप की चमक कम करने के लिए जालियां होती थीं। इन सब चीजों से जलवायु का नियंत्रण बहुत अच्छे ढंग से होता था। लेकिन आज शहरों में रहने वालों की तादाद में तेजी से वृद्धि होने और हमारे शहरों का नक्शा बदलते जाने से इमारतों की तादाद में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। नई इमारतों ने पारंपरिक संरचनाओं की जगह ले ली है और ये ऊर्जा संबंधी अपनी जरूरतों के लिए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भर करती हैं। आर्थिक वृद्धि और बढ़ती खपत के कारण वास्तुशिल्प की अव्यवहारिक पद्धतियां अमल में आई हैं, जिससे देश में ऊर्जा की खपत बढ़ी है। भारत दुनिया के ऐसे देशों में शामिल है जिनमें ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा है। भारत के किसी औसत शहर में बनी किसी आम इमारत में एक साल में बिजली की खपत करीब 260 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर होती है। इसमें से 50 से 60 फीसदी बिजली एयर कंडीशनिंग पर, 20 से 35 फीसदी रोशनी पर और बाकी 20 से 35 फीसदी अन्य प्रणालियों और उपकरणों पर खर्च होती है। भारत में निर्माण क्षेत्र की वार्षिक विकास दर 5 से 6% है, यानी हमारे संसाधनों पर दबाव बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने यहां बिजली की खपत सिर्फ 10% भी घटा पाएं, तो हम पूरे भारत के करीब 2 करोड़ ग्रामीण घरों को रोशन कर पाएंगे।
इस दौर की जरूरत यह है कि हम ऐसी इमारतें बनाएं जिनमें ऊर्जा की जरूरत ना के बराबर हो, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और वो कम लागत वाले, स्थानीय तौर पर उपलब्ध और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सकें। As we develop rapidly in this part of the world, in India, भारत में तेजी से विकास हो रहा है, इस कारण हम पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और काफी लंबे समय तक इस ऊर्जा को जीवाश्मीय ईंधन को जलाकर पैदा किया जाएगा और यहीं नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग की अवधारणा की भूमिका शुरू होती है। इमारतों का डिजाइन वाला चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान भविष्य के लिए संसाधन कार्य कुशलता को अधिकतम बनाए रखने के लिए फैसले लिए जाते हैं। अगर इस चरण में वास्तुशिल्पी और हितधारकों की मुलाकात हो जाए तो निर्माण की शुरुआत से पहले ही निर्माण संबंधी विभिन्न रणनीतियों के संभावित प्रभाव को समझा जा सकता है। परियोजना स्थल का विश्लेषण किया जाता है और यहाँ की जलवायु का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि इस जगह के कुदरती तत्व जैसे कि पेड़, हरित क्षेत्र और जल भंडारों का इमारत के डिजाइन के साथ कार्यकुशल तरीके से मेल किया जा सके। NIIT यूनिवर्सिटी नीमराना परिसर ने अपने बंजर इलाके को डिजाइन स्तर पर की गई सही प्लानिंग के कारण हरित क्षेत्र में बदल दिया। NIIT नीमराना वाली जगह एक पहाड़ी के नजदीक है और जो पानी पहाड़ियों से नीचे बहता रहता है उसने इस जगह में काफी कटाव पैदा कर दिया है। हमारी समस्या ये थी कि यहाँ पर्याप्त पानी नहीं था, यहाँ पर काफी गड्ढे वगैरह थे और धूल और गर्मी भी बहुत थी। कैंपस में सिर्फ पैदल ही घूमा जा सकता है और पार्किंग से आगे गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है। आसपास की पहाड़ियों में 2000 से ज्यादा पेड़ भी लगाए गए हैं। इस तरह की कोशिशों के कारण कैंपस के अंदर का वातावरण आसपास के वातावरण से ज्यादा ठंडा रहता है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। भारत में गर्मियों में तापमान कुछ क्षेत्रों में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है। कॉन्क्रीट और शीशे से बनी इमारतें किसी ग्रीन हाउस की भूमिका निभाने लगती हैं। इनमें गर्मी अंदर तो दाखिल हो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। इससे इमारतों के अंदर गर्मी हो जाती है और उनमें काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर अंदर के तापमान को घटाने के लिए एयर कंडीशनर्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऊर्जा पर होने वाला खर्च बढ़ता है। अगर इमारत की बनावट सही हो और उसके आसपास छाया हो तो इमारत को गर्म करने, उसे ठंडा करने और उसकी रोशनी के लिए कम से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। सही इंसुलेशन होने से भी ऊर्जा की खपत घटती है। इससे गर्मी इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। इससे गर्मियों में गर्मी इमारत से बाहर रहती है और सर्दियों में उसके अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंसुलेशन के अलावा दक्षिण की ओर वाली खिड़कियों पर गर्मियों में ओवरहैंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब सूरज की धूप का कोण काफी ऊंचा होता है। इन शेड्स के कारण सूरज की चमक घटती है और इमारत में रहने वालों को ज्यादा सुकून मिलता है। छत पर परावर्तन करने वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है ताकि धूप को परावर्तित करके इमारत में पहुंचने वाली गर्मी को घटाया जा सके। इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी खास शहरों में ही सीमित होने वाली गर्मी को घटाने में मदद मिलती है। इस तरह के प्रयासों से एक साल के दौरान ऊर्जा की खपत में 15% तक की कमी दर्ज की गई है। डिजाइन में अगर खिड़कियों की जगह सही रखी जाए तो प्राकृतिक वेंटिलेशन और रोशनी का अधिकतम लाभ लिया जा सकता है। किसी सामान्य इमारत में 25-40% ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ कृत्रिम रोशनी के लिए ही किया जाता है। अगर प्राकृतिक रोशनी अंदर पहुंच सके तो ऊर्जा की खपत काफी हद तक घट सकती है। अगर खिड़कियां दीवार में ऊंचाई पर या छत में होंगी तो उससे रोशनी
ज्यादा अंदर तक पहुंचेगी और साथ ही ज्यादा चमक भी महसूस नहीं होगी। खिड़कियों के बाहर पेड़ पौधे लगाने, उन पर पर्दे लगाने और पारंपरिक जाली के जरिए भी चौंध घटाई जा सकती है और प्राकृतिक रोशनी को फिल्टर किया जा सकता है, जिससे आंखों पर जोर नहीं पड़ता। इमारत में प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। IRRAD में ये काम एक सरल पुली प्रणाली से अंजाम दिया जाता है। किसी बढ़िया डिजाइन वाली इमारत में दिन की रोशनी को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके होते हैं, ताकि ये चारों तरफ परावर्तित हो जाए। इससे जगह बड़ी लगती है और ये रोशनी क्योंकि एक तरफ से नहीं आती, इसलिए इससे चौंध भी नहीं लगती। ये कई दिशाओं से आती है। उत्तर और दक्षिण दिशा से आने वाली रोशनी सबसे बढ़िया रहती है। भवन निर्माताओं को ये समझना होता है कि दिन की रोशनी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ताकि इमारत के अंदर खूब उजाला रहे। दिन की रोशनी का इस्तेमाल करने की रणनीति के जरिए इमारत में ऊर्जा पर होने वाले खर्च को 10 से 20 फीसदी तक घटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बचत के अलावा प्राकृतिक रोशनी से इमारत में रहने वाले लोगों को अच्छा भी लगता है और उनकी कामकाज की क्षमता भी बढ़ती है। जो लोग यहाँ आकर काम करते हैं, उनकी कार्य कुशलता काफी बढ़ गई है। इसके लिए कई प्रमुख बातें जिम्मेदार हैं। यहाँ इमारत में बहुत सी हरी भरी जगहें हैं, तो आप कहीं भी बैठे हों, आपको बाहर थोड़ी बहुत हरियाली तो नजर आएगी ही। आप अपने आप को बंद महसूस नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जहाँ प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है, वहाँ कृत्रिम रोशनी के बजाय लोगों का कामकाज कहीं बेहतर हो जाता है। ऊर्जा बचाना है तो ग्रीन बिल्डिंग्स और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स ही एक रास्ता है, और हम सोचते हैं कि अगर भविष्य में अडेप्टेशन हो और ऐसी ही इमारतें बने तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हम सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ग्रीन बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स इज द वे टू गो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में खोली जा सकने वाली बड़ी बड़ी खिड़कियों और पेड़ पौधों वाले खुले विशाल टेरेस के कारण ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है और हवा की आवाजाही होती है। परिसर में मौजूद हरे भरे उद्यान और परिसर में लगे पेड़ यहाँ के माहौल को ठंडा रखते हैं। इससे भवन में काम करने वाले लोगों की उत्पादकता बढ़ती है और लंबी अवधि में उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े फायदे भी होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में एक सोलर चिमनी भी बनाई गई है, जिससे ताजा हवा अंदर आती है और इमारत के अंदर बहती रहती है। इससे वेंटिलेशन बेहतर होता है और इमारत के अंदर का तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। NIIT यूनिवर्सिटी में एक डिस्प्लेसमेंट वेंटिलेशन सिस्टम और अर्थ एयर टनल हवा को फिल्टर करने और ठंडा करने के लिए लगाए गए हैं। ये आम वातानुकूलन प्रणाली के मुकाबले केवल 30% ऊर्जा का ही इस्तेमाल करता है और इससे इमारत का माहौल आरामदेह और धूल मुक्त बना रहता है। पहले से ही कार्यकुशल इमारतों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे बिजली ग्रिड पर निर्भरता और घट जाती है। आज देश के ज्यादातर दूरदराज इलाकों में और हमारे शहरों में भी सूरज से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोवोल्टेक सिस्टम के जरिए सौर बिजली को कैप्चर करके विभिन्न प्रणालियों को सप्लाई किया जाता है। जब से हमने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया है, हम हर साल 6 लाख रुपए तक की बचत करने लगे। बायोमास एक और ऐसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, जिससे उसी जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ग्रामीण भारत के लिए ये ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत हो सकती है। द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी रिट्रीट में उपज से मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, तिनकों और शाखाओं आदि का इस्तेमाल गैसीफायर में किया जाता है। गैसीफायर इमारत की बिजली की 70% से ज्यादा मांग पूरी कर देता है। अगर अतिरिक्त बिजली बची रहती है
तो उसका इस्तेमाल बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है। डीजल से चलने वाले जनरेटर का इस्तेमाल इमारतों की 30% से भी कम ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। पावर मैनेजर कहा जाने वाला एक नियंत्रण उपकरण ऊर्जा का सबसे कार्य कुशल मेल इस्तेमाल करता है। वो ये तय करता है कि किसी तय समय पर बिजली का बेहतर स्रोत क्या है। किसी आम डिजाइन वाली इमारत के मुकाबले इस कॉम्प्लेक्स में 40-50% ऊर्जा की बचत होती है, जबकि इसमें निवेश सिर्फ 25% ज्यादा ही करना पड़ता है। बायर मटेरियल साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई इको कमर्शियल बिल्डिंग वहनीय निर्माण शैली का एक अनूठा उदाहरण है। 2 मंजिल वाले क्यूब के आकार की इमारत को स्थानीय विशेषज्ञों ने डिजाइन किया और स्थानीय तौर पर उपलब्ध चीजों से बनाया, ताकि स्थानीय उपकटिबंधीय मौसम के हिसाब से ये ठीक रहें। हमारा इको कमर्शियल बिल्डिंग प्रोग्राम बहुत शानदार है। ये दिखाता है कि हम जलवायु नियंत्रण की अपनी रणनीतियों को किस तरह अमल में लाते हैं, बजाय इसके कि इमारतों को जलवायु के मुताबिक ढाला जाए। इस अवधारणा को पूरी दुनिया में किसी भी जलवायु के हिसाब में ढाला जा सकता है। बायर की सामग्रियों द्वारा बने सख्त पॉलीयुरीथेन थर्मल इंसुलेशन पर आधारित और नवीकरणीय सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने वाली ये इमारत खुद ब खुद अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी कर सकती है, चाहे जरूरत रोशनी की हो, एयर कंडीशनिंग की या उपकरणों की। ये अनोखी इको कमर्शियल इमारत कार्बन न्यूट्रल है, यानी ये कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ती। इसकी एयर कंडीशनिंग, रोशनी और वेंटिलेशन की जो जरूरतें हैं, उन्हें ये अपनी छत पर लगे फोटोवोल्टेक सिस्टम से पैदा होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करती है। ये अपनी 100% बिजली खुद ही पैदा करती है। इस तरह की परियोजनाएं दिखाती हैं कि कार्य कुशल इंसुलेशन और नवीकरणीय ऊर्जा को मिलाकर इस्तेमाल करने से किसी इमारत की ऊर्जा की खपत में बहुत ज्यादा कमी लाई जा सकती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी घटाया जा सकता है। वहनीय और ऊर्जा कुशल इमारतें ऐसे भवन बनाने की दिशा में एक शुरुआत कही जा सकती हैं, जहां बाहर से ऊर्जा लेनी ही न पड़े, यानी जितनी ऊर्जा की खपत उनमें हो उसकी भरपाई वहीं पैदा होने वाली ऊर्जा से हो जाए। भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, ये बात बहुत महत्व रखती है कि डिजाइन संबंधी ऐसी रणनीतियों का मूल्यांकन किया जाए जो जलवायु की अलग अलग स्थितियों के लिए उपयुक्त हों। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यानी ECBC के जरिए सरकार भवन क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी कार्य कुशलता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिजली मंत्रालय ने 2007 में इसे स्वेच्छा से अपनाए जाने के लिए शुरू किया था, लेकिन अगर इसे पूरे देश में कानूनी तौर पर अमल में लाया जाए तो साल में ऊर्जा की भारी बचत होगी और देश ऊर्जा कार्य कुशलता से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। जरूरत इस बात की है कि ऊर्जा की खपत कार्य कुशल ढंग से की जाए और साथ ही भवन निर्माताओं, वास्तुशिल्पियों, डेवलपरों, योजनाकारों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता का स्तर बेहतर हो। हालांकि आज भारत में कुछ विश्व स्तरीय ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ज्यादा असर के लिए आम लोगों में ग्रीन बिल्डिंग्स की अवधारणा को बढ़ावा देने की जरूरत है। लोग अपने घरों को भी ऊर्जा कुशल बना सकते हैं। वो संभावित बचतों और गड़बड़ियों की पहचान के लिए ऊर्जा के इस्तेमाल की पैमाइश कर सकते हैं। नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सामान खरीदते समय हमेशा स्टार रेटेड चीजें खरीदें। स्टार जितने ज्यादा होंगे, उपकरण की ऊर्जा कार्य कुशलता भी उतनी ही अधिक होगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और साजो सामान की समय समय पर देखरेख और निगरानी करते रहना चाहिए। इमारत की छत पर बागवानी करने,
या इमारत के अगले हिस्से को लताओं और पौधों से हरा भरा बनाने से न केवल अंदर का तापमान एक सा रहेगा बल्कि मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीटों को आशियाना भी मिलेगा और आवश्यक नेक्टर भी। अगर हम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के प्रति गंभीर हैं, तो यही वक्त है कि हम अपनी घरेलू और कारोबारी इमारतों के डिजाइन और कामकाज पर फिर से नजर डालें। जैसे आपने देखा, इको फ्रेंडली बिल्डिंग यानी नेट जीरो बिल्डिंग, यही भविष्य है। इमारतें बनाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। एनर्जी कंजर्वेशन भी एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। लाइट, नेचुरल लाइट, ये हम सब की सहायता करती हैं। आर्टिफिशियल लाइट से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं और पृथ्वी पर एक जर पड़ता है। और अब आ गया है समय हमारे साप्ताहिक क्विज का। और हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, जंगलों में हाथी जो एक दूसरे से दूर होते हैं किस प्रकार संपर्क बनाए रखते हैं और कैसे बातचीत करते हैं? और इसका सही जवाब है सबसोनिक कम्युनिकेशन। नए रिसर्च से हमको ये पता चला है कि हाथी एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकालते हैं जो इंसानों के कान सुन ही नहीं पाते। और आज के विजेता हैं आशीष शर्मा उत्तर प्रदेश, कोमल चौधरी नई दिल्ली, अपूर्वा शानबाग कर्नाटका, गौरव शर्मा पंजाब, दीपिका शर्मा हिमाचल प्रदेश। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं बारकेत अलीमीर जम्मू एंड कश्मीर, आशीष कुमार द्विवेदी तमिलनाडु, शिवम मीना राजस्थान, मोनिका मौर्य हरियाणा, अनिल मित्रा नई दिल्ली, अपन आनंद बिहार, साहिल बेदी पंजाब, आनंद HS कर्नाटका, नुपुर अग्रवाल उत्तर प्रदेश, कुमारी भक्ति शर्मा मध्य प्रदेश। और हमारा इस हफ्ते का सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल देश कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट इको फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड? अपने जवाब हमें एक हफ्ते के अंदर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल है ddearthmatters@gmail.com। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने अपने सुझाव और विचार हमें लिख भेजिएगा। आपके खतों का हमें, जैसा हमने पहले भी कहा, हमेशा इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।